यूपी के कन्नौज जिले से खबर आ रही है, यहाँ प्राइवेट अस्पताल संचालकों ने एक बार फिर फर्जी डॉक्टरों से इलाज करवाकर जच्चा बच्चा की जान ले ली। मामला सौरिक थाना इलाके स्थित स्मार्ट अस्पताल का है। यहाँ देर रात एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि डिलीवरी के दौरान कोई डॉक्टर नहीं था, गलत तरीके से डिलीवरी कराई गई जिससे जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। मृतक महिला के पति ने बताया था वह अपनी पत्नी का प्रसव कराने के लिए हसेरन सामुदायिक अस्पताल ले गया था, लेकिन आशा उसको प्राइवेट स्मार्ट अस्पताल ले आई। वहीं पूरे मामले में आशा का कहना है पीड़ित परिवार का आरोप गलत है। फिलहाल हंगामे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है मामले की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पताल संचालक आशा बहुओं को पैसों का लालच देकर गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल से बुलवा लेते हैं और फिर गरीब परिवार से मोटी रकम वसूलते हैं। उसमें से कुछ पैसा आशा बहु को दे दिया जाता है। सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराने से आशा को ऊपरी कमाई नहीं होती है। पैसे की लालच में आशा मौत बांटते फर्जी अस्पताल में गर्भवती महिला को प्रसव के लिए भर्ती करा देती हैं। अंजाम एक बार फिर आपके सामने है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार प्राइवेट अस्पताल संचालक चंद पैसों के लिए कब तक गरीब की जान लेते रहेंगे। फिलहाल अस्पताल को सीज कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक जिला प्रशासन ऐसे बिना डिग्री वाले अस्पताल संचालकों के खिलाफ कार्यवाही करेगा। डिलीवरी थी जो अच्छा ये अपने सासुर जब इनके रक्षाबंधन को पानी चलो सर तो ये इटावा ले गए जो हमने बताया इटावा ले गए। इटावा वहाँ बोतलें वोतलें जो भी इनकी चढ़ी जब वहाँ से इनको दिक्कत हुई मतलब वो पानी चलता ही रहा तब ससुराल लाए। ससुराल लाए हमें बुलाया कहा आशा जी हमने अपनी बिटिया बुलाई आप देख लो आइए लगता हूँ उपस्थित थे 15-20 मिनट बाद इन्हें बुलवाए गए। हमने कही हम कैसे हमें पानी बरस रो हम कैसे रही है हमने कही जब पानी खुली है तब ये कि ना अब यहाँ पर हम गाड़ी भेज रहे हैं 2-4 पहिया की गाड़ी हमें ले आऊंगी। चलो बयान के लिए बैठा लेंगे अभी बयान देना अभी यहाँ थोड़ा चार भैया बैठा लीजिए। आप हसेदन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो मरीज ले गई थी और उसको वहाँ कहा गया कि यहाँ मत कहना कि हम रेफर कर रहे हैं कि घर ले जा रहे हैं, फिर यहाँ आप सौरिक क्यों लेके आए? नहीं सर ऐसा नहीं है, लाभार्थी ने कहा अपने हम घर ले जाएंगे। जब 7:30 बजे ये 8 बजे अंधेरा हो गया चौकी सामने हमने कहा भैया हम अपने घर जाएंगे, मेरी भैंस दूध दूने को है, मेरी बनी पूरे दिन तो तुम्हारे चक्कर में रहे हम खाली पेट रहे तुम्हारे साथ। इन्होंने कहा हम घर ले जाएंगे, हमने कहा भैया हम घर कैसे पहुँचेंगे तुमको अपना मरीज सॉरी लिए जा रहा है। तो वो छोटी वाली इनकी वो चाची है जो लड़की की चाची उसने कहा जहाँ हम गए थे वहाँ हम ठीक हो गए चाची हम वहीं दिखाएंगे। तो हमने कहा ऐसा करो हमारे बिटिया दमान पास छोड़ दो हमें मोटरसाइकिल से हमें अब समझा था हमारे बाबू जी ना रुके तो कोई हम बिटिया कमाए दिए लेकिन हम भैंसिया अपने दुनिया जाए लड़का ने कहीं हम घर ले जाइए। पता नहीं कहा विचार बदलो इनकी चाची का लड़की की चाची क्या विचार बदला कि अरे चाची तुमने पूरे दिन सरकारी हॉस्पिटल में रखा बच्चा आए शायद प्राइवेट आया होता तो हमारी डिलीवरी नॉर्मल अब तक हो गई होती। हमने कहा ऐसा नहीं है आप ऐसा करिए भैया ले जाए रहे भैया 20 दिन वो पानी चल लो। पीड़ित का आरोप है कि आप जबरदस्ती लेके आई हैं? नहीं ऐसा कोई आरोप नहीं, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी हम झूठ नहीं बोलेंगे दीदी हम वो बाल बच्चेदार हैं जो भी हमें होगा। लेकिन आशाएं तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये प्राइवेट हॉस्पिटल है आपका क्या काम क्या है? हमारा कोई काम नहीं तो आप यहाँ क्यों आई साथ में? हम ऐसे आए जब गांव का लाभार्थी आया जैसे आ गया दीदी उसने हमसे कहा कि दीदी हम यहाँ पे एडमिट है चाची। हमने कहा भैया हम खाना खाए ले सुबह पसीना हुआ है इनका खाना गाँव से आया। हमने कहा भैया हम खाना खा ले हमने 2 रोटियाँ खाई मसूर की दाल खा के। क्या नाम है आपका? हमारा सुनीता। कहाँ की रहने वाली हो? हम देवपुरापुर के रहने वाले हैं। कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगता है? समुदाय स्वास्थ्य केंद्र सेरन रखा हमने। ये गलत है इसकी जांच कभी हम लोग पूरी करेंगे। अभी पता किया है ये कोई चाहे गए कबीरपुर के उनके नाम से अप्लाई किया है लेकिन रजिस्ट्रेशन दिया नहीं गया। इन्होंने अभी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की थी इनको रजिस्ट्रेशन दिया नहीं गया था अभी
इन घटनाओं के पीछे सर प्रभावी की आशाओं की भी कहीं कहीं कार्य शैली संदिग्ध अवस्था में देखी जा रही है। इसके पूर्व भी कई घटनाएं हुई है जिनमें आशाएं संदिग्ध पाई गई, उनके खिलाफ क्या आपका व्यवहार कार्रवाई करेंगे? इसमें जो आशा अभी पाई गई है उसके खिलाफ अभी FIR हम लोग करेंगे। सर इस तरह के जो अस्पताल है और भी संचालित है तो इन पर कार्रवाई क्यों होगी? नहीं, तभी पे होगी कार्रवाई, क्योंकि जिले में जो पता चलता है वहीं हम लोग चले जाते हैं। पूरी जगह में टाइम यहाँ पे आए हैं, आगे कहीं भी कोई अस्पताल खुला नहीं मिलेगा अब हम लोग। सर अक्सर देखा गया है कि घटना होने के बाद ही आप लोग एक्टिव होते हैं, उसके पूर्व ये सारी गोरखधंधे चलते हैं? नहीं, इस पर पूरी सख्त कार्रवाई की जाएगी, आगे भी की जाएगी। सर एक निजी अस्पताल के क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है? निजी अस्पताल उनका एक सभी होते हैं डॉक्टर्स पूरे होने चाहिए, उनको उनके बुला के उनके वो भी पूरा एड्रेस लिया जाता है, हलफनामा लिया जाता है। दूसरा उसमें फायर का होना चाहिए पूरा, हाँ पूरी फॉर्मेलिटी पूरी होनी चाहिए तभी दिया जाता है। इस अस्पताल में किन पैरामीटर्स को पूरा आपने देखा गया? अभी इसको इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया था, इसमें डॉक्टर्स वगैरह नहीं आए थे, केवल अप्लाई किया था उसने, उसको बुलाया गया था लेकिन डॉक्टर्स कोई आए नहीं थे अभी।